हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दलिया बनाने की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ सब्जी ले ली है यहाँ पर, ये मैंने 150 ग्राम के करीब दलिया लिया है और एक चम्मच देसी घी। सामान को मैंने चॉप कर लिया है। अब एक कुकर रखते हैं। कुकर में मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा मैं यहाँ आधा चम्मच डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज ऐड कर दें, हरी मिर्च और अदरक। गैस को धीमा कर दिया है और अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर को भूनें अच्छे से। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। ये जो मैंने नमक डाला है ये बहुत छोटा चम्मच है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच डाला है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब जितने भी वेजिटेबल हमने काट के रखे हुए थे वो सारे अब इसमें डाल देंगे। अब इसको हम भून लेंगे। गैस मैंने यहाँ पर धीमी कर दी है और 3 से 4 मिनट इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। वेजिटेबल अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें मैं दलिया डालूंगी। दलिया मैंने धो के रख लिया था, दलिया एक ही बार धोना है। गैस धीमी ही रखनी है अभी और इसको 1 से 2 मिनट आप इसको भी अच्छे से भून लें। 1-2 मिनट हो चुके हैं दलिया को भूनते भूनते और दलिया अच्छे से भून चुका है। अब इसमें पानी ऐड करें। पानी यहाँ पर मैं 2.5 ग्लास डाल रही हूँ। गैस को मैंने मीडियम कर लिया है और इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। गैस को बिल्कुल धीमा कर दे और 5 मिनट बाद इसे बंद कर दे। पूरी गैस निकल चुकी है कुकर में से, अब इसे खोले। देसी घी और हरा धनिया इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दे। तो तैयार है बनकर हमारा दलिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।